लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी थी, इस लेक्चर में मैं आपको प्रोविजन बता रहा हूँ। हम शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन 3 के प्रोविजन से, जो चार्जिंग सेक्शन है। मतलब ये बताता है कि किन चीजों पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो सबसे पहला, हर वो इंस्ट्रूमेंट जो स्केड्यूल में मेंशन है, ठीक है, और जिसे एग्जीक्यूट किया गया है 1 जुलाई 1899 के बाद, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर स्टैम्प ड्यूटी लग रही है, तो आप जब चैप्टर शुरू करे थे ना, तो वहां पे एक आपको लिस्ट मैंने बताई थी। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये अपना लिस्ट को नीचे भी नोट डाउन कर देंगे। यहाँ पर इन चीजों पर आपको क्या है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। दूसरी बात, ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जो अदरवाइज ऑन डिमांड पे हो रहे हैं, या प्रॉमिसरी नोट जो हैं, जो इंडिया में बने हैं, ठीक है, या इंडिया के बाहर बने हैं, ठीक, उन पर भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी अगर पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है तो। नेक्स्ट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्केड्यूल में मेंशन है, ठीक है, भले वह इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट किया गया है, लेकिन पैसा कहाँ रिसीव हुआ, इंडिया में रिसीव हुआ है, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। चलिए रिपीट करते हैं, हर वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक, जो स्केड्यूल में दिया है स्टैम्प एक्ट के, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ऊपर मैंने आपको दिखा दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, एग्जीक्यूट भले इंडिया के बाहर हुआ, पर पैसा कहाँ आया, इंडिया में आया। थर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट के अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ, मान लो, एग्जीक्यूट हुआ इंडिया के बाहर, इंडिया, पर अमाउंट कहाँ रिसीव हुआ, इंडिया में। तो मतलब इंडिया में अगर कोई ट्रांजेक्शन कनेक्ट हो रहा है, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। हाउएवर, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट हैं जिन पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगनी है। सबसे पहला, अगर इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट के फेवर में है, मतलब आपका ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के साथ हो रहा है, तो स्टैम्प ड्यूटी पे करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप सेल कर रहे हैं किसी तरह की शिप, ठीक है, या वेसल, या उसका कोई पार्ट, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, अगर कोई ट्रांजैक्शन है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेट करता है, SEZ से रिलेट करता है, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल एरिया से रिलेट करता है, तो उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई है। स्टैम्प ड्यूटी किस पे करनी है, हर इंस्ट्रूमेंट पर जो स्केड्यूल में दिए हुए हैं। स्केड्यूल को और स्पेसिफाई कर दूं तो स्केड्यूल 1 में, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट जो इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुए, पर उसकी पेमेंट कहाँ रिसीव हो रही है, इंडिया में हो रही है। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुआ, पेमेंट कहाँ रिसीव हुई, इंडिया में हो रही है, उन पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तीन जगह पर नहीं लगेगी, अगर गवर्नमेंट के साथ आपका ट्रांजेक्शन है, ठीक है। दूसरी बात, कोई शिप या वेसल आप बेच रहे हैं, तीसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है, उस पर ये चीज नहीं लगेगी, ठीक। यहाँ पे एक केस स्टडी है, इस केस स्टडी को आप जरूर पढ़ेंगे, कमिश्नर ऑफ इंडियन रेवेन्यू वर्सेस जी एग्नस, ठीक है। ये इसको आगे रिफर किया गया था स्वदेशी कॉटन मिल के केस में। तो इसमें बोला गया है कि अगर आपको कभी भी स्टैम्प ड्यूटी लगानी है, तो आप ये देख लो कि परचेज या सेल या कोई कन्वेयंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बिल्कुल टैक्स वसूल, और नहीं हो रहा है तो फिर वसूलने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक। यही वाला बस इसमें केस पढ़ना। नीचे कंसेप्ट दिया सब्सटेंस एंड डिस्क्रिप्शन का। सब्सटेंस एंड डिस्क्रिप्शन का आपको मैं मतलब बताऊं तो, जैसे ऊपर दिखा है सेल डीड, ये जो है बेसिकली, अगर ऊपर दिखा हुआ है सेल डीड, तो उसमें ऊपर ये जो सेल डीड वर्ड है, ये डिस्क्रिप्शन है कि भाई अग्रीमेंट किस चीज के बारे में है, और अंदर जो टर्म एंड कंडीशन दी होती है वो सब्सटेंस कहलाती है। तो इस पर ये कहा जाता है बेसिकली कि जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, जो एग्रीमेंट पे लिखा है,
ठीक है, जरूरी नहीं हो कि ऊपर दी गई हेडिंग से मैच करता हो। ऊपर सेल दिख दी, अब नीचे कौन सी सेल क्या पता। तो सब्सटेंस में जो आप दिखते हो, जो ट्रांजैक्शन बताते हो कि हम ये बेच रहे हैं ये खरीद रहे हैं, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। जैसे यहां पे मैं लिख दिया कि अगर मैं बिल्डिंग बेच रहा हूं, तो फिर जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो बिल्डिंग की वैल्यू के हिसाब से लगेगी। तो आप भी जब कोई डॉक्यूमेंट पढ़ें तो पूरा पूरा पढ़ें, खाली डिस्क्रिप्शन ऊपर का पढ़ के ना डिसाइड करें। अंदर जो मैटर लिखा है, जो सब्सटेंस लिखा है, उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड होती है। ये इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस एंड डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपका सेक्शन 3 जो चार्जेबिलिटी का सेक्शन है, ये खत्म हो गया। इसके बाद बारी आती है हमारी नेक्स्ट सेक्शन की, ये है सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 कहता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने या कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे, सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, तो इस सिचुएशन में ये माना जाता है कि जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है उस पर फुल स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, और साथ में जितने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर 1 रुपए की ड्यूटी लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी जमीन है, ये जमीन मैंने भुवन को बेची, ठीक, तो यहां पर हमारे बीच बनी सेल डीड। अब जमीन बेचते समय मैं 2 विटनेस के पेपर साइन करवा दिया, ठीक है, और उसके अलावा मैंने क्या अपनी मम्मी से भी कंसेंट दे दी जो को ओनर है, तो अलग से कंसेंट पेपर भी बनवाया, ठीक। तो अब इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंट हो गए हैं, तो बेसिकली जो सेल डीड है उस पर फुल स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, और बाकी जो एडिशनल पेपर है जैसे विटनेस पेपर, ठीक है, अच्छा, जो कंसेंट लेटर है इस पर बोला जाता है आपको 1-1 रुपए पे करना है, 1 रुपीज ओनली, ठीक है। तो ये आपको लाइबिलिटी से बचाने के लिए ही है कि अगर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज एक सिंगल ट्रांजेक्शन को करने के लिए हो रहा है, जैसे हम तो सिर्फ जमीन ही बेच रहे हैं ना, एक सेल डीड बनाए, तो जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है उस पर ड्यूटी पे होती है, बाकी उसके साथ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट पर आपको सिर्फ 1 रुपए पे करना है। जैसे क्या हुआ, ए ने एक कन्वेयंस को एग्जीक्यूट किया, मतलब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसी पेपर में उसका जो नेफ्यू है वो अपनी कंसेंट दे रहा है, तो ये कंसेंट की बात अलग हो गई, जो मेन स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट या मेन इंस्ट्रूमेंट पे लगेगी जिसके थ्रू इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची जा रही है, और जो नेफ्यू ने कंसेंट दी उस पर 1 रुपए ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, ब्रदर ए एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ ब्रदर बी अ गिफ्ट ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी बाय अनदर डीड, ब्रदर बी मेड प्रोविजन फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ ब्रदर ए एंड हाइपोथिकेटिंग इन फेवर ऑफ ब्रदर ए एज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडेड इन अबव मेंशन गिफ्ट डीड इन ऑर्डर टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस। इट वॉज हेल्ड दैट टू डॉक्यूमेंट वर द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, द अमाउंट टू अ सेटलमेंट एंड सेक्शन 4 अप्लाइड। देखो आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ब्रदर एक पर्सन है, ब्रदर बी एक पर्सन है, ब्रदर ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर ब्रदर बी को दे दी, साथ ही साथ एक और डॉक्यूमेंट बनाया, बोला कि मैं तुम्हारा घर खर्च भी उठाऊंगा, ठीक है। ये किसने बनाया, ब्रदर बी ने बनाया, ठीक है। उसने क्या बनाया कि एक डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट बनाया जिसमें बोला कि तुम मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे रहे हो ना, तो मैं तुम्हारा घर खर्च उठाऊंगा, और जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई थी उसी का एक हिस्सा उठाकर रख दिया ताकि उसे खर्चे निकलते रहें। तो माना गया एक ही ट्रांजेक्शन के 2 हिस्से हैं, तो मेन जो गिफ्ट का ट्रांजेक्शन है उस पर पूरी ड्यूटी लगेगी, दूसरे वाले पे 1 रुपये लगेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी, ठीक है। अच्छा, आपको सेक्शन 4 समझ आ गया होगा कि अगर एक ट्रांजेक्शन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट यूज हो रहे हैं तो मेन वाले पर फुल स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, बाकी सब पे 1-1 रुपए लगेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां सेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहले लीज की सिचुएशन, ठीक है, लीज की सिचुएशन में बेसिकली ये माना जाता है कि अगर कोई लीज है वो एग्जीक्यूट और रजिस्टर हो गई है,
ठीक, और फिर दूसरा एक डॉक्यूमेंट बना के उसके टर्म को आप ऑल्टर करा रहे हो, तो जितना पहली बार स्टैम्प ड्यूटी लगी थी दूसरी बार भी उतनी लगेगी, सेक्शन 4 अप्लाई नहीं होगा। सेम चीज मॉर्गेज में भी होती है, आप जितनी बार मॉर्गेज की टर्म एंड कंडीशन बदलोगे आपको फुल स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। तो यहाँ पे दिमाग में बात को बिठा लो, लीज और मॉर्गेज के केस में आपको बार बार स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, एक बार करके काम नहीं जमेगा। ठीक, तो ये हो गया सेक्शन 4 का कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट आता है सेक्शन 5 का। सेक्शन 5 बेसिकली ये बोलता है कि अगर मान लो एक डॉक्यूमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है, अब आपने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट से बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर दिए। आप एक स्टैम्प पेपर खरीदे और उसमें क्या करे, बहुत सारे ट्रांजैक्शन लिख दिए। ठीक, आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट को तो समझ ही नहीं है, उसको कुछ नहीं, तो बेसिकली हर ट्रांजैक्शन पे सेपरेट स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, हर ट्रांजेक्शन पे सेपरेट स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक स्टैम्प पेपर लाया, उसमें लिखा मैं अपनी जमीन बेच रहा हूँ बी को, ठीक, फिर उसके बाद इसमें लिख दिया मेरी एक और जमीन है मैं उसको लीज पे दे रहा हूँ सी को, फिर लिख दिया मेरी एक और जमीन है उसको मैं बेच रहा हूँ डी को। तो यार तीन सेपरेट ट्रांजेक्शन है, एक जमीन बी को दे रहा हूँ, एक जमीन लीज पे सी को दे रहा हूँ, एक जमीन डी को बेच रहा हूँ, तो तीनों ट्रांजेक्शन सेपरेट ट्रांजेक्शन है, तो हर पे या सभी पे अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी पे होगी। आपको बात याद रखनी है, ध्यान रखनी है। सेक्शन 5 ये बोलता है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट पे अलग अलग बहुत सारे ट्रांजेक्शन है तो हर ट्रांजेक्शन पर अलग स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। इसे मल्टीफेरियस इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट के इस्तेमाल करके बहुत सारे ट्रांजैक्शन अगर करना चाहो तो आप अपने आइडिया में सफल नहीं होगे, माना जाएगा कि हर ट्रांजैक्शन पे आपको बराबर क्या देनी होगी, स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। जैसे एक डॉक्यूमेंट बनाया उसमें आप अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हो और दूसरा एक बॉन्ड भी बना रहे हो, तो भाई डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज अ डिफरेंट थिंग, बॉन्ड इज अ डिफरेंट थिंग, दोनों पे आपको अलग अलग क्या करना होगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है, और इसमें डाउट नहीं आया होगा। ठीक, ये वाला एग्जाम्पल और ये बाकी सारे एग्जाम्पल भी आप पढ़ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करोगे आप। ठीक है, आई होप आपको अभी तक ये समझ आ गया और इसमें आपको डाउट नहीं आया है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं प्रिंसिपल एंड एनसीजरी का। प्रिंसिपल एंड एनसीजरी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बताता है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बताता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, आपका और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां मैं आपके साथ एक बिजनेस कर रहा हूँ और साथ ही में हमने इसमें एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज डाल दिया है, तो प्रिंसिपल वर्क जो है यहाँ पर क्या है, हम बिजनेस कर रहे हैं और जो उसके साथ एडिशनल चीज है कि हम झगड़े को आउट ऑफ कोर्ट सुलझाएंगे, हम आर्बिट्रेशन कराएंगे, एनसीजरी चीज हो गई। सवाल ये उठता है कि जब आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो तो प्रिंसिपल मैटर पे करते हो कि एनसीजरी मैटर पे करते हो, तो हर बार सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे आप सपोज करो एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया जा रहा है, ठीक है, साथ ही साथ एक एग्रीमेंट है जिससे लोन लिया जा रहा है, तो मॉर्गेज एक अलग मैटर है, लोन एक अलग मैटर है, तो दोनों पे अलग अलग क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगी। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी लीज पे ली जा रही है, साथ साथ बोला जा रहा है कि आपका जो पुराना बैलेंस है वो भी आप क्लियर कर दो, तो जब आप लीज की बात करें तो लीज एक मैटर हो गया और पुराना बैलेंस क्लियर करना मतलब वो प्रॉमिस हो गया, बॉन्ड हो गया, तो दोनों पे अलग अलग आपको क्या करना होगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। सिमिलरली मान लो एक ऑक्शन हो रहा है, ठीक है, अब जो परचेजर है उसने अलग अलग लॉट्स खरीद लिए, ठीक, अब एक ही इंस्ट्रूमेंट है तो ये माना जाएगा बेसिकली कि ये सारे जो हैं वो डिफरेंट मैटर्स हैं और सब पर उसको अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। जैसे एक ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में मैंने 25 गुड्स खरीद लिए, हर गुड्स एक दूसरे से अलग है, तो मुझे सब पे सेपरेट स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल और एनसीजरी आपको यही समझाते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट में जब कोई ट्रांजेक्शन लिखा जाता है तो कई बार एडिशनल एक और ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो नेचर आप देखो, आपको लग रहा है कि उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, जैसे 25 सामान खरीद दिए तो एक मेन सामान होगा बाकी सारे एनसीजरी होंगे, अब अगर एक दूसरे से सेपरेट है तो सब में स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, इसमें दिक्कत नहीं आई होगी।
तो आपको मैंने यहाँ पे सेक्शन 5 बता दिया, मैंने आपको प्रिंसिपल एंसिलरी का मतलब बता दिया। अब मैं बात करता हूं कि मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो अलग-अलग डिस्क्रिप्शंस में आता है, ये सेक्शन 6 है जो आपको ध्यान रखना है बेसिकली, और इसको भूलना नहीं है। ये कहता है कि मान लो मैं एक पर्टिकुलर सेल कर रहा हूँ। अब ये सेल ऐसी है जिसकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग प्रिस्क्राइब है और स्टेट गवर्नमेंट की अलग प्रिस्क्राइब है, तो मैं कौन सी पे करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कि स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि ये तो अलग अलग डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। तो ये माना जाता है कि अगर आपकी सेल ऐसी है जो अलग अलग स्केड्यूल्स में, अलग अलग डिस्क्रिप्शन में, अलग अलग तरीके के उसमें आ जाती है, किसमें आ जाती है, ड्यूटी स्लैब में आ जाती है, तो हाईएस्ट ऑफ द टैक्स आपको पे करना होता है, ये हाईएस्ट ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी, ये क्लियर हो गया होगा। जैसे देखो एक डीड है जिसमें ये बोला गया कि जब गन्ने की खेती करोगे तो आपको मैं क्रॉप डिलीवर करूंगा, और दूसरा ये बोला गया कि जब क्रॉप हो जाएगा तो उसके बदले आप क्या करो, मेरे को कुछ पैसे लोन पर दे देना। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है, एक तो क्रॉप डिलीवर करने की बात हो रही है, दूसरे लोन की बात हो रही है, लेकिन मैटर तो शुगर केन से ही जुड़ा हुआ है, तो इसपे माना जाएगा जो हाइएस्ट ड्यूटी है वो लगाई जाएगी, ये भूलना मत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 6 हो गया आपका। अब बारी आती है अगर लोकल अथॉरिटी जो होती हैं, वो लोकल अथॉरिटी का मतलब जैसे आप बोल सकते हो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती हैं, ठीक, क्या वो आपसे पैसा लेकर आपको बॉन्ड या डिवेंचर इशू कर सकती हैं, और क्या उनको भी स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है? तो ये माना जाता है कि जब कोई लोकल अथॉरिटी बॉन्ड या डिवेंचर इशू करती है तो उनको उस पर 1% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ बॉन्ड की स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। एक बार अगर उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी तो दोबारा जब ये बॉन्ड रिन्यू होगा तो दोबारा उनको स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैं बोलता हूँ दुर्ग नगर निगम है, अब इनको पैसों की जरूरत है तो उन्होंने पब्लिक को बॉन्ड इशू किया, बॉन्ड की कीमत 1 करोड़ है, तो इनको इस पर 1% स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। 1% कितना होगा, 1 लाख होगा। अगर ये इस चीज को निग्लेक्ट करते हैं दुर्ग नगर निगम वाले, ये स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करते तो बाद में उनके ऊपर 10% तक की पेनल्टी लग सकती है। आप पहले इतना पढ़ के मेरे को बताओ समझ आया कि नहीं, फिर मैं आपको आगे भेज रहा हूँ, ये तुरंत अभी पढ़ दो।